कि अगर पति के द्वारा अपनी पत्नी पर तलाक का केस दायर कर दिया जाता है तो बदले में पत्नी 498A, 406, 120B इत्यादि केसों के द्वारा पति को रगड़ने का पूरा प्रयास किया करती है। आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि जब आप पति और पत्नी के बीच में संबंध ठीक तरह से नहीं चल रहे होते हैं और आप दोनों के बीच में आपसी समझौते से एक साथ रहने के सारे प्रयास विफल हो चुके होते हैं, तो आपके पास और कोई चारा नहीं बचता इस बात के अलावा कि आप दोनों आपसी समझौते से तलाक ले लें, या अगर इस पर भी बात नहीं बनती है तो कंटेस्टेड डिवोर्स डाला जाए। लेकिन आप सभी ने यह भी महसूस किया होगा कि अगर पति के द्वारा अपनी पत्नी पर तलाक का केस दायर कर दिया जाता है तो बदले में पत्नी 498A, 406, 120B इत्यादि केसों के द्वारा पति को रगड़ने का पूरा प्रयास किया करती हैं। ठीक इसी तरह का एक मुकदमा पहुंचता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, और आइए देखते हैं और समझते हैं कि आखिरकार इस केस में क्या हुआ और इस केस का फायदा आप सभी लोग कैसे उठा पाएंगे। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। क्या था ये केस, आखिरकार इस केस में हुआ क्या? इस केस में पति और पत्नी के बीच में शादी होती है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 20 नवंबर 2011 में। ये बिल्कुल ही एक साधारण सी शादी थी जैसा कि इन दोनों ने अपनी पिटीशंस में लिखा, और या ये कहें कि जैसा कि इस जजमेंट में नजर आ रहा है। कोई भी डाउरी नहीं दी गई थी, सिर्फ थोड़े से आभूषण दिए गए थे पत्नी के माता पिता के द्वारा अपनी बेटी को। इस शादी से इनके बीच एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी कली ने जन्म लिया 5/11/2012 को, और ये जो बच्ची है ये अपने पापा की कस्टडी में रह रही है। यहां पर जो पटिशनर है वो ये कहता है कि 4 महीने शादी के गुजरे नहीं थे कि इन्होंने नोटिस कर लिया था, जो ये रिस्पोंडेंट यानी कि जो ये पत्नी है इनकी जिनके खिलाफ इन्होंने ये अपील फाइल की है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, ये जो पत्नी है ये नॉर्मल नहीं है। उसने अपनी पत्नी की माताजी से बातचीत की, उन्होंने इधर उधर की बातें की और किसी तरह से ये चीजें पुल ऑन होती चली गई। लेकिन जब इनकी इस बिटिया का जन्म होता है तो इस बिटिया के जन्म के बाद इनकी पत्नी का जो व्यवहार है अचानक ही बहुत ज्यादा क्रूर हो जाता है, और इस व्यवहार के चलते हुए ये जो पति हैं और इनके जो पति के अन्य घर वाले हैं उन सभी को ये पता चलता है कि ये जो इस पटिशनर की पत्नी, या ये कहें कि इसके जो परिवार की जो सास और ससुर हैं उनकी ये जो बहू है ये किसी एक दिमागी बीमारी से ग्रसित थी। धीरे धीरे टाइम बीतता चला गया और उनको ये लगा कि कुछ समय तक तो उन्होंने इस चीज को साइड करने की कोशिश की क्योंकि घर में एक बच्ची का जन्म हो चुका था, और उन्होंने ये सोचा कि शायद ये ठीक हो जाएगा इन द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन ये जो सिचुएशन थी इनकी और ज्यादा खराब होती चली गई, और आखिरकार इस पति के पास और कोई चारा नहीं बचा था। इसने 2 मार्च 2023 को जब उन्होंने ये देखा कि ये इतनी ज्यादा वायलेंट हो गई है कि अब इसके ऊपर किसी का भी प्रेशर नहीं है, ये किसी का भी लिहाज नहीं कर रही है, और इवन ये जो बच्ची है जो छोटी सी बिटिया है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा एक रक्षा का सुरक्षा का एक प्रश्न खड़ा हो रहा था। तो यहां पर ये जो पति हैं ये अपनी पत्नी के ऊपर एक तलाक का केस दायर करते हैं, बदले में
ये जो इनकी पत्नी है जो कि अभी अपने मायके में जाकर के रह रही थी, वहां पर जाकर के ये काउंटर ब्लास्ट करती हैं और एक झूठा क्रिमिनल केस फाइल कर देती हैं अपने पति और अन्य परिवार के सदस्यों के खिलाफ 406, 498A, 120B IPC इत्यादि अमृतसर के पुलिस थाने के अंदर अपने आप को बचाने के लिए। जैसा कि आप सभी ने अक्सर ये महसूस किया होगा कि जब ये पत्नियां झूठा सच्चा केस किया करती हैं, झूठे सच्चे एलिगेशंस लगाया करती हैं, तो अक्सर पति के पास और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के पास और कोई भी चारा नहीं बचा करता। वो किसी न किसी तरह से सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं कि एक मौका और दिया जाए, और यही हुआ इस केस में भी। इस पति ने एक मौका और दिया अपनी पत्नी को और उन्होंने वहां से CAW सेल में सेटलमेंट किया और इन पत्नी को लेकर के वापस आ गया। लेकिन इनके वापस आने के बाद ये और ज्यादा क्रूअल हो जाती हैं, वो बहुत ज्यादा से परेशान करने लग जाती हैं और इनका जीवन एक तरह से नरक के समान हो जाता है। और आखिरकार ये जो पति हैं ये अपने पत्नी के खिलाफ तलाक का केस दायर करते हैं और ये जो केस चल रहा था निचली कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, वो किसी बात पर, हालांकि इस पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ क्रुएलिटी के ग्राउंड पर ये एक तलाक का केस दायर किया था, लेकिन किसी वजह से निचली कोर्ट ने ये कह दिया कि इनकी जो गवाहियां हैं वो स्वतंत्र गवाहियां नहीं हो पाई हैं और इस बिना पर इनका ये जो केस है उसको खारिज कर दिया जाता है। अब ये जो पति महोदय हैं ये पहुंचते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में और वहां पर बेंच बहुत अच्छी तरह से सारी की सारी चीजों को देखती है, सारे एविडेंसेस को अच्छी तरह से देखती है, सभी वर्जन का गहन अध्ययन करने के बाद आखिरकार ये कहा जाता है बेंच के द्वारा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि मानसिक बीमारी से ग्रसित हो और वो लाइलाज बीमारी है और उस व्यक्ति के साथ रहना उनके दूसरे पार्टनर चाहे वो पति हो या पत्नी हो दुभर हो जाता है, तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं रह जाता कि इन दोनों का एक साथ रहना संभव हो पाएगा। और ऐसा ही ठीक हुआ है इन दोनों के साथ में, इन दोनों का एक साथ रहना संभव नहीं है। पत्नी को लाइलाज बीमारी है और उस लाइलाज बीमारी के चलते उनका स्वभाव बहुत ही उग्र, भयानक और आक्रामक हो चुका है। ये सब कहते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पति की इस अपील को स्वीकार कर लिया और इन दोनों के बीच में तलाक की जो आवेदन था उसको मंजूर कर लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भलीभांति पता चल गई होगी कि अगर आपका दूसरा पार्टनर, चाहे वो पति है या पत्नी है, आप पति हैं या पत्नी हैं, अगर उनको कोई भी लाइलाज बीमारी है और वो जिस और उसकी वजह से उनका व्यवहार बहुत ही आक्रामक हो चुका है और उस आक्रामक व्यवहार की वजह से आपकी शादीशुदा जीवन को आगे चलाना दुभर हो चुका है, तो आप क्रुएलिटी के ग्राउंड पर कोर्ट के अंदर तलाक का केस दायर कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप पति हैं और आपने तलाक का केस दायर किया है क्रुएलिटी के ग्राउंड पर 13(1)(1)(a) के अंतर्गत, और अगर आपकी पत्नी ने काउंटर ब्लास्ट के रूप में दहेज संबंधी कानूनों का दुरुपयोग करते हुए आपके ऊपर केसेस की भरमार की है, तो भी आपको डरने की, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह की बहुत सारी रूलिंग्स आपके फेवर में आई हैं, आती रही हैं और आती रहेंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।